एक मैं ना अनिल सर, एक मिनट एक सेकंड प्ले अपना जगर भाई। बिल्कुल यार का क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं जब आ रहा था कल्याण की मैं ट्रैफिक की हालत देखा था, जिसके लिए मुझे देरी भी हो गई आने के लिए। तो कॉरपोरेशन के जो डेवलपमेंट होना चाहिए था विकास का, यहाँ पर नहीं हो सका। अभी बहुत जल्द आपके यहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे होनार जो नौजवान हैं और भी जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने उनको यहाँ की आवाम ने जिता के लाना चाहिए। कांग्रेस का झंडा तिरंगा इस महानगर पालिका में फड़कना चाहिए ताकि कल्याण डोंबिवली का विकास हो सके। बहुत बड़ा टास्क है। दूसरा, नाने पटेल जी की आपने बात की तो एक बहुत ही अच्छा चेहरा जो खुद कुनबी मराठा ओबीसी है, जो किसान के बेटे हैं और कड़ा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, और तमाम कार्यकर्ताओं को उनसे उम्मीद है कि काफी अच्छा काम वो कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे। जो पार्टी की उनके आने से एक तरह से मतलब चैतन्य नव निर्माण चैतन्य जो है कार्यकर्ताओं की भावना और में निर्माण हुआ है, और नई चेतना से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी कैसे बने उस पर हमें काम करेंगे। इफ्तिखार खान साहब, पिछली बार नगर सेवक थे आप, क्या मुद्दे लेके अभी नगर सेवक के लिए फिर से आप? मैं हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा जो आदमी अपने निष्ठा से अगर वो ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके अंदर अगर पब्लिक का दर्द है, उसके अंदर अगर पीड़ा है, तो मैं उसके लिए हमेशा सपोर्ट करूंगा। मैं 20-25 साल से इस सियासत के अंदर हूं, हमेशा लोकसभा असेंबली का, खासकर अपने इलाके का, मैं मेरे 2-4-5 साथी लीड करते रहे, और बिना हम लोग अपने स्वार्थ किए हुए और बिना लालच के हमने हमेशा इलेक्शन लड़ा है, कॉन्टेस्ट भी किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं 4 टर्म हो गया, 2 टर्म में खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और पब्लिक ने मुझको चुन के दिया और मैंने काम किया। लेकिन मैं कभी किसी वार्डवासियों से या किसी से 100 रूपये की उम्मीद नहीं किया, किसी से 1 रूपया नहीं लिया है, ये पूरा एरिया जानता है और मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा। तो कम से कम अगर ऐसी विचारधारा के जो भी लोग रहेंगे, मैं इंशाल्लाह उनको पूरा सपोर्ट करूंगा, और जलीस भी अगर ऐसा रहेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको सपोर्ट पूरा। आपका एक्सपीरियंस है, 2 टर्म का एक्सपीरियंस है इफ्तिखार भाई का, इंशाल्लाह कांग्रेस की विचारधारा 10-10 टर्म के लोग, कांग्रेस की विचारधारा को यहां पर फिर से उभारने की कोशिश। मुझे उम्मीद है कि इफ्तिखार भाई जैसे लोग और जितने भी हमारे माइनॉरिटी की टीम है, काम कर रहे हैं, दूसरे और लोग हैं, निगर लोग जो अगर नाराज भी कुछ लोग हैं, तो उन्हें इकट्ठा करके संगठित करके माहौल को बदलने की इंशाल्लाह कोशिश।